हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। कैसे हो यार आप सब? आज छोटी होली है, सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और काफ़ी बच्चे होंगे यार जिनको होली खेलना पसंद है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं कभी इतने होली खेलता नहीं हूँ क्योंकि खेलने के लिए दोस्त ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो और अगर जिनके पास नहीं है दोस्त खेलने के लिए, तो एक ही काम करो, पढ़ाई करो यार, पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी इन सब में मैं इन्वॉल्व होता भी नहीं था कभी, तो हमेशा प्रिपरेशन करी, जब भी दोस्तों से मिलना मिलना हमेशा मैं बंद ही रखता था क्योंकि थे ही नहीं है स्टार्टिंग से ही, इसीलिए एक फोकस भी रहता था। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि दोस्त मत बनाओ, अपने बनाओ यार, दोस्त बनाओ, सब अपने खुश रहो और घूमो फिरो, लेकिन साथ में प्रिपरेशन भी करते रहो। ठीक है, अभी एसएससी का ही टेस्ट बुक पे सिर्फ सीजीएल के लिए मेगा लाइव टेस्ट आया हुआ है, तो ये कल आया था, तो आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ इसे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया ये भी अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, कल मैंने ओली बोर्ड का लाइव मॉक अटेम्प्ट किया था, तो जाके वो देख लेना। और उसमें मैंने देखा है काफ़ी बच्चों के, मतलब इतनी मुश्किल मैथ्स नहीं थी, फिर भी मतलब बहुत रेयरली, मैंने रेयरली क्या, एक भी बच्चा नहीं देखा जिसके 50 में से 50 मार्क्स हो। मेरे को लगा काफ़ी ईजी मैथ्स है उसकी, मतलब काफ़ी बच्चों के 50 में से 50 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें हिंदी और इंग्लिश में भी अलग अलग था, तो मे भी उसकी वजह से हो गया हो। और बाकी ओवरऑल जो भी था उसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है कि कैसे क्वेश्चंस करने थे, अटेम्प्ट करने थे, सारे सीक्वेंस वाइज बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस स्किप भी करे थे मैंने, बाद में कर दिए थे, और रीजनिंग में दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक भी हो गई थी, तो वही सब चीज़ों को आपको सीखना है, सिली मिस्टेक से बचना है। ठीक है, अभी टेस्ट बुक का मॉक स्टार्ट करते हैं। किंग इज रिटन एज MKPI KLM 11 2 13, 9 2 11, 14 2 16, 7 2 9, 14 2 16 P और 9 2 11 K, 3 2 5 E। जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, आपको अगर इनकी नंबरिंग याद होगी ना एकदम रटी हुई, तो आपका टाइम काफ़ी बचने वाला है। W मीन्स प्लस, Y मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस सेम, क्रॉस मीन्स माइनस, Z मीन्स डिवाइड बाय 4, 2 और 4, 4 और 8 12। वट विल यू कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? नेपाल की काठमांडू है, ईरान की तेहरान है, कैपिटल है। ओल्ड डे इज नाइट, ओल्ड डे इज नाइट, सम डेज आर डार्क, सम डेज आर डार्क। ठीक है, ओल्ड डार्क इज नाइट, ओल्ड डार्क इज नाइट गलत, सम डार्क आर नाइट्स, सम डार्क आर नाइट सही है। ओनली सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग, सबसे पहले चार, जब बिफोर BEF सबसे पहले चार ही आएगा, 3 आएगा, फिर 2 और 1 में से कौन सा आएगा? H, H पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 1 लास्ट में आएगा। ठीक है, EFGH। बिहार हाउस स्पैरो, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? ये जीके की एनालॉजी वाले क्वेश्चंस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हिल मायना नहीं, सारे स्क्रीन भी नहीं होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन कुको, मुर्गा, यही हो सकता है, बाद में देखते हैं। सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? सर दर्द हो रहा है हल्का हल्का आज। नीचे से जाएगा ये, और थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड को, हाँ, सनराइज इज कोडेड, सनराइज आर आई एस सी, इसी फुल टाइम लिखा है और कुछ भी नहीं करा। सनशाइन, SUNSHINE। 8 फैमिली मेंबर्स है। बी इज अ ब्रदर ऑफ जी, बी इज अ ब्रदर ऑफ जी, टी इज अ सन ऑफ डब्ल्यू, टी इज अ सन ऑफ डब्ल्यू, ओ इज अ सन ऑफ जी, ओ इज अ सन ऑफ जी, एच इज अ डी इज वाइफ, डी कहाँ पे है पता नहीं, एच इज डी इज वाइफ, जी एन डब्ल्यू आर सिस्टर्स, जी एन डब्ल्यू आर सिस्टर्स, एफ इज अ सन ऑफ बी, एफ इज अ सन ऑफ बी, डी इज अ फादर ऑफ बी, डी इज अ फादर ऑफ बी,
ठीक है, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, एच रिलेटेड टू डी कहाँ है ये इसकी, एच रिलेटेड टू डी के लिए पूरा पढ़ना समझ नहीं आया मुझे, सॉरी ओ, एच रिलेटेड टू ओ पूछा है हमसे। हाँ एच रिलेटेड टू ओ क्या है, ग्रैंड मदर है, मदर्स मदर्स। सारे क्वेश्चन वो अच्छे नहीं लगते हैं, ऊपर 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 लेफ्ट साइड में होगा, एक दो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ही ऑप्शन है, देन ऊपर 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 सिंपल है वैसे तो, ये इतना मुश्किल था नहीं इसमें कुछ भी। ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर लॉक, नो डोर इज लॉक, नो डोर इज लॉक, सम लॉक्स आर डोर, सम लॉक्स आर गलत, सम लॉक्स आर कीज, सही है, नो कीज इज, नो की इज अ डोर, लॉक नहीं है तो की भी नहीं होगी, ये भी सही है। सेकेंड थर्ड छत्तीस और 36 5 41 20 71 ऐसे नहीं है, और 25 और 25 25 50 28 8 36 नहीं ऐसे भी नहीं है, 53 8 7 53 36 25 13 में 6 7 4 में से 3 गया 1 17 और 25 और 11 36 11 और 17 ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें तो, 11 और 17 ये रहा, यही है सेकेंड ऑप्शन। हाँ द पोजिशन ऑफ द डाइसर शुड नॉट फाइंड द कैरेक्टर से इज अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट क्या है, जो भी कॉमन है उसको घुमा दो, एक क्लॉकवाइज घुमाया करो हमेशा, एक दो बी एक सी, ए किसके अपोजिट पूछा था हमसे, सी के अपोजिट दो है। हाउ इज जी रिलेटेड टू के, जी इज अ ब्रदर ऑफ बी फादर्स, जी इज अ ब्रदर ऑफ बी फादर, एच हैशटैग ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ आई, तो आई इसकी मदर हो जाएगी, एंड एट द रेट आई एट द ए इज अ वाइफ ऑफ बी, गेस हो सकता है। हाउ जी रिलेटेड के इन फॉलोइंग, जी ए इज अ ब्रदर ऑफ बी फादर, जी इज अ ब्रदर ऑफ, अच्छा, बी का फादर का, बी फादर का जेंडर नहीं पता हूँ, एच हैशटैग आई ए इज अ सन ऑफ बी, एच इज अ सन ऑफ बी आई, ठीक है, आई एट द रेट जे ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ये कैसे हो सकता है, आई इज अ वाइफ ऑफ, कितनी दो की वाइफ कैसे हो सकती है, एंड जे एम्परसेंड के, ए इज अ फादर ऑफ बी, सारे फादर ही है क्या यहाँ पे, जी रिलेटेड टू के पूछे हमसे, जी रिलेटेड टू के, जी तो अंकल ही आने हैं कुछ भी हो जाए, फादर से ब्रदर ही आएगा, बाद में चेक करेंगे दोबारे। 4 5 12 14 और 11 1 7 4 1 4 + 1 5 2 10 और 2 12 36 और 3 39 4 + 4 5 + 5 16 5 80 + 5 805 एक और दो एन -3 -3 -3 -3 25 3 और बी में से -3 करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड एक वाई, थर्ड ऑप्शन वाई जेड जेड ए बी, ठीक है। ई
फर्स्ट और सेकंड में से ही है E5A। थ्री ऑफ द फॉलोइंग दैट इज अ क्लस्टर 17 और 17 से 27, 11 16 27, 13 और 17, 24 और 2 26। एक्स वाई पी क्यू के एल एम एन एक्स वाई पी क्यू है और सारे ऐसे हैं, इसमें से कर लो यार, कोई भी निकाल देता हूँ मैं उसमें से। डब्ल्यू यू 15 2 17 2 19 ऐसा आएगा सबसे पहले, फिर 7 और 4 11 4 15 आएगा, फिर ओ आएगा 14 और 2 16 2 18 आएगा, 18 पे आर एस ओ आर किसमें है, और लास्ट में 5 4 9 4 13 एम आएगा, एस ओ आर एम। एक दो ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होगा नीचे की तरफ, और 5 हो जाएंगे इसमें। बीच में 4 स्क्वायर रहेंगे, एक में इसमें है और इसमें है, और ये सिमेट्रिकल देख लिया करो इसमें, यही है सिमेट्रिकल तो और कुछ है भी नहीं। 93 9 12 15 6 3 96 45 और 9 52, 4 57 4 51 4 55 52 4 56, कैसा है क्वेश्चन? 38 कोड लैंग्वेज चेक इज रिटन इन दिस सी एच ई सी के, 6 1 6 5 6 2 2, 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 8 5 3 11, डबल 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 वो वाल को सेम लिख दिया, बाकी डबल ठीक है। 16 2 32, 18 2 36 और 9 5 19 38, 20 40। सात और 5 12, डिफरेंस इंटू नहीं ऐसे नहीं है, 7 2 14 और 2 5 5 और 1 10 5 50 और 5 55, नहीं ऐसे तो 7 और हाँ, क्या हो सकता है इसमें? वैसे कुछ समझ से नहीं आ रहा, स्किप करते हैं अभी। ये क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, ये नीचे गया ऊपर गया, यहाँ पे एस कहाँ गया, यहाँ पे और यहाँ पे गया, ये नीचे आएगा दिल, फिर ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और ऊपर जाएगा, और ऊपर किसमें है, इसमें ही है, एक ही ऑप्शन है। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हमने, एक एक मिनट लगा ही लेते हैं इस पे भी। 7 और 5 35 नहीं है ऐसा कुछ, 7 और 5 12 10 22 3 5 8 तीन, क्या हो सकता है इसमें? 7 और 5 12, -7 -5 2, 2 और 1 3, माइनस नहीं ऐसे तो है ही नहीं, 7 5 35 -5 का स्क्वायर 5 कैसे आएगा फिर? कुछ दिमाग नहीं लग रहा है अभी,
मैथ्स कर लेते हैं फटाफट से। द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर एक्सीड्स इट्स न्यूमिनेटर बाय 10, एक्स बाय वाई है, ठीक है। डिनोमिनेटर एक्सीड्स, न्यूमिनेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे, तो किसने बोला है डिनोमिनेटर एक्सीड्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। इफ द न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 4, एक्स प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 3, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 5 बाय 6, 6x 10 में 24 इज इक्वल टू 5y माइनस 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 और माइनस में 5y माइनस में 6x इज इक्वल टू 15 और 24 5 39 15, ठीक है। 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 50, इसमें से करोगे सब्ट्रैक्ट, ऊपर से नीचे करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। हमसे क्या पूछा है, द ओरिजिनल नंबर 11 है ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 21। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25% बाय व्हाट परसेंटेज शुड द फैमिली डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द शुगर द रिमेंड क्या बोल दिया मैंने शुगर सो दैट देयर एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेंस द सेम। एक्सपेंडिचर सेम रखना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी फॉर कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर फिक्स कर दो, प्राइस कितना बढ़ा है 4 से 5, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 से 4, 1/5 20%। ये सारे मैंने आप अपनी परसेंटेज की क्लासेस में कराए हुए हैं, सिर्फ 3 क्लासेस है, 1.5 घंटे में पूरा परसेंटेज खत्म है, देख सकते हो। 21,000 डिवाइडेड मंगे ए बी सी इन सच वे दैट द शेयर ऑफ ए एंड बी इज दिस, ए बी सी 2 3 4 5, 4 2 8 4 3 12, 3 5 15 हो गया हमारा। शेयर ऑफ बी इज हमसे पूछा है 8 12 20 35 की वैल्यू 21,000, 35 3,000 1 की वैल्यू 6 600, हमसे क्या पूछा बी की 12 6 72 100। बट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू इट मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, इसके आसपास का देखना पड़ेगा कौन सा स्क्वायर होता है। 6072 के आसपास का स्क्वायर देखता हूँ मैं, 50 नहीं 100 80 64 100 78 हो सकता है, मे बी 78 149 64 7 56 152 112 4 8 9 1 10 6084 12 ऐड करना है। मैंने एजम्पशन लिया है कुछ भी वैसा किसने किया, अब भी ऐसे ही जैसे मैंने अभी करा है वैसे ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन तो मेरे को इसका लगा नहीं, ठीक है। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि यार मैं पहले से दे के बैठा हूँ एग्जाम, मैं इतने चिल माइंड से देता हूँ कि आपको हमेशा ऐसा फील ही होगा। द एवरेज ऑफ 10 डेटा, एवरेज ऑफ 10 डेटा इज दिस 56.5, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 50, नेक्स्ट 4 इज 60, 8th डेटा इज 10 लेते ना, मेंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, 8th 9th 3 4 7 और 10th, ठीक है। टोटल कितने हैं इसमें, ट्रिक कभी भी मत लगाना है इसमें एवरेज में, ऑल्दो मैंने ट्रिक कराई हुई है अपने एवरेज की क्लासेस में, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज़ मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। 565 150 और 240 390 565 माइनस 390 5 16 में सुनोगे 7 4 में 3 गया 1 175 8 डेटा इज 10 लेस देन द 9th x माइनस 10 एंड द 6 लेस देन द 10th x माइनस 4, ठीक है। 3x माइनस में 14 इज इक्वल टू 175, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 189, x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड बाई 3 3 6 18 3 9 63, डेटा फाइंड द 8 डेज बताना 63 माइनस 10 53, ऐसे ही करना है हमेशा क्वेश्चन। अल्ले ए लेंथ 26,000 टू बी फॉर 2 ईयर्स एंड 15,000 टू सी फॉर 4 ईयर्स, ही रिसीव ऑल टुगेदर द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके 26 52 520 आर बाहर ले लो कॉमन, प्लस में 15 6 60 600 इजिकल टू 89 60, ठीक है। कितना हो गया 0 2 5 11 89 60 0 0 16 7 112 16 85 16 6 96 7 56 आर इज गोल्ड 8%। द इंटरेस्ट एक्रिंग ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% इन 1 ईयर इज दिस, कैलकुलेट द कमोडिटी ऑफ द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड एट द इंटरेस्ट इज कमोडिटी हाफ वैल्यू। ओके द इंटरेस्ट एक्रिंग क्योरिंग ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% इन अ 1 ईयर,
एक साल में इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में, तो ऐसे अगर सीए बराबर होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, इतना 400 है, कितने पे अमाउंट ही नहीं पता है हमें, और 10% डेट है, एक साल है, तो अमाउंट कितना आ गया, वो 4,000, 4,000 प्रिंसिपल आ गया। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट, 10% रेट है एट द सेम पीरियड, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा, 5%, तो 20 से 21, 20 से 21, 400 से 441, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 41, 400 की वैल्यू 4,000, 1 की वैल्यू और 41 की वैल्यू 410, सिंपल है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे, काफ़ी बच्चे कह बच्चों कहने से भी कह इतना नाराज़ हो जाता है, काफ़ी भाई लोग कह रहे थे मेरे कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी करा दो यार, करा दूंगा अभी जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज दिस, ठीक है। सिंपल, इतनी बड़ी चौड़ी बड़ी इतनी चौड़ी लैंग्वेज दी हुई है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर लगाओ, पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 1180, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दो, 2 दिन 4, 4 25, 25 8 200, 25 25 20, 45, 25 25 4 29, 500। थ्री थ्री पर्सन, अमर अकबर एंथनी नहीं है, अंबर बिट्टू चिक्कू है। अंबर बिट्टू चिक्कू रन अ बिजनेस टुगेदर एंड दे शेयर शेयर साथ 19%, 39%, 42% रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट दे अर्न इन द डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द गिवन शेयर, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ बिट्टू एंड ओके 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 इसमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द बिट्टू एंड अंबर कितना, 20% की वैल्यू, 2001 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0 0 100 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ चिक्कू, चिक्कू क्या कितना है, 4200। कुछ भी करना ही नहीं था, फालतू में पढ़ रहे थे इतने देर से। इफ द पर्सन परचेज शर्ट एंड ही गेट 6% डिस्काउंट, हाउएवर इफ ही परचेज टू शर्ट्स ही गेट डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन द फर्स्ट एंड 7% ऑन द सेकेंड। इफ द प्राइस पेड बाई द पर्सन फॉर टू शर्ट्स इज दिस, देन वट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द ई शर्ट, क्या बताऊँ इसमें मैं। इफ द प्राइस पेड बाई द पर्सन फॉर टू शर्ट्स, इतना दिया है उसने, ठीक है, तो सेकेंड वाले केस का यूज़ होना है इसमें, तो 100 से 87 और 100 से 93, बहुत गंदा है यार ये तो। ही इफ द प्राइस पेड बाय द पर्सन फॉर टू शर्ट्स इज 900, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अभी स्किप करते हैं यार ये क्वेश्चन, बाद में करेंगे इसे। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद 15,000 एंड 20,000, एफिशिएंसी इज 7 एंड 3। ए बी 15, 1 2 3, 20, 1 2 3, 7 3, हाँ एफिशिएंसी दे हैं, तो दे डिवाइड द फर्स्ट ये प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड सेकंड ईयर डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग द एफिशिएंसी। गलत गलत गलत, छोड़ दो इसे क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज दिस, 8:5, 39 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड देन 4 लीटर ऑफ वाटर एंड 12 लीटर ऑफ मिल्क इज एडिड, देन द रेशियो बिकम्स दिस। ओके आठ और पाँच 13 की वैल्यू है, मान लिया हमने, इसी रेशो में निकाल लेंगे, ठीक है।
लेकिन हमें स्टार्टिंग में पता भी तो नहीं है। मान लो ऐसे कर लेते हैं, एक्स एक्स मान ले इसको, तेरह एक्स की वैल्यू है और एक एक्स की वैल्यू 3, ठीक है। तो हमने कितना निकाल दिया, 3 तो यहाँ से निकाल दिया, 24 लीटर यहाँ से निकले और 3 × 5 = 15 लीटर यहाँ से निकल गए, ठीक है यहाँ तक। और देन 4 लीटर ऑफ वाटर एडेड एंड 12 लीटर मिल्क इज एडेड, 12 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द रेशियो बिकम दिस। ओके हो गया, 8x - 12 फोन में 5x - 11 इज इक्वल टू 11:6, 6×48x - 72 इज इक्वल टू 55x - 121, 7x इज इक्वल टू 28 और 1 29 49। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमसे क्या पूछा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 7×56 लीटर। अच्छा क्वेश्चन था। इन 1547 मीटर रेस अर्जुन रीचेज इन 78 सेकेंड, वेल करण रीचेज द फिनिश द पॉइंट इन 91 सेकेंड, बाई हाउ मच डिस्टेंस डज अर्जुन बीट करण। तो दोनों की स्पीड निकालते हैं। सबसे पहले तो 1547 / 78, 1547 / 91, 13×78, 13×13, 13×13, 13×117, ये तो कटेगा ही नहीं। 6×6 119/6 मान लिया, 13×7 = 91, 13×13 119 ही आएगा, 17×7 = 119, 13×7 = 91, 13×13 13×13 और 11×13 = 117, 13×7 = 17 मीटर/सेकेंड, तो इसकी आ गई स्पीड, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करेंगे, मैंने 13×78 2 और 9 11, ये तो कट नहीं रहा है ना, लेकिन डिस्टेंस डज अर्जुन बीट करण, कितना डिस्टेंस हरा देगा वो। कितने सेकंड्स पहले पहुंच रहा है देख लो ना फटाफट। अब 13 सेकंड्स पहले पहुंच रहा है, तो 13 सेकंड्स पहले पहुंच रहा है, 13 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगा वो। अर्जुन बीट कर रहा है, मतलब अर्जुन की स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे, तो 119/6, अगर ऐसा करूँ मैं, 13×117, 13×13 और 11 24, 13×13 और 2 15, 47/6, 6×2 = 12, 6×5 = 30, 6×8 = 48। गड़बड़ आ रही है भाई, स्किप करो, ये भी सारे क्वेश्चन छूट गए। इधर 3 men और 5 women कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर 5 women and 6 men, ठीक है। तो मैन अपॉन में वुमेन कितना आ गया, 5 अपॉन में 3। देखते हैं उन क्वेश्चन को बाद में, देखते हैं, पैनिक नहीं करना अभी। कितना जाएगा टोटल वर्क, कितना जाएगा, 5 × 15 = 12 180/5, 5 women है, 5 × 15 = 6×30 = 45, 45 हो गए 180, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देने का, भी अटक जाओ तो x + y + z दिया हुआ है हमें, तो हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो फॉर्मूला लगाने सिंपली, मैंने एलजेब्रा की क्लास में करा दिए सारे फॉर्मूले। इसमें लगेगा x³ - y³ - z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z, अंदर नीचे 2 नहीं आएगा, x + y + z का होल स्क्वायर -3xy y z z x, ठीक है। तो ये कितने हैं, 216 - 3xy z इज इक्वल टू 12 और 144 माइनस में 47 दिया, 40 + 120, 7 + 121, सॉरी 7 + 121, 3 × 12 = 36, 3xyz कितना आ गया हमारे पास, 180, xyz कितना आ गया हमारे पास, 60, ठीक है। 7 और 2 = 3 और 8 और 5, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब क्या बताना है इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी के सामने वाई, तो ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास,
ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और हमें क्या बताना है, कुछ दिया तो हुआ ही नहीं है, कुछ दिया क्यों नहीं हुआ इन्होंने। एंगल, अच्छा बाइसेक्टर्स हैं, द एंगल बाइसेक्टर्स बी डी एंड ए ई, बी डी एंगल बाइसेक्टर तो ए बी वाई, ए ई एंगल बाइसेक्टर तो ए बी एक्स, तो हो गया वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y, x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास 90। हमसे क्या पूछा था, जो ना ए सी बी, ए सी कहाँ है, ए सी बी ये पूछा है ना हमसे, ये 90 है तो ये भी 90 बचेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, सो जेड बी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी सी, बी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी सी, टू अल्फा अल्फा, ठीक है। बी ए सी इज इक्वल टू 77 डिग्री, सी 45 है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7 5 12 और 5 7 12, ठीक है, और 60 58 डिग्री आ गया ये। और अब क्या करें इसमें, 58 मतलब ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 58 आ गई डायरेक्टली। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी बी, ए डी बी ये 58 आ गया, 58 दूनी 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 116, तो 64, कितना 64 डिग्री आंसर हो जाएगा। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस दिस आर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉमन कोर्ड। और द रेडियस कितनी है इनकी, 5 3, और डिस्टेंस कितना है 4, ये 4 है, तो एक्स ये 4 माइनस एक्स मान लो इसको, ठीक है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये वाई मान लो, तो 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, 9 आएगा क्या, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8x, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो इधर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर से कितना बचेगा, वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ गया ये, और ये कितना आ जाएगा 9, क्योंकि ये मैंने वाई स्क्वायर आ गया इधर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया, और दोनों को इक्वेट करो कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे, और कितना बच गया ये 2, तो और ये कितना आ जाएगा, ये भी 2, तो पॉइंट में क्यों दिया हुआ इन्होंने कॉमन कोड, तो ये वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 3 9 माइनस 4 5 √5, तो पूरा कितना हो जाएगा 2 √5, 2 √5, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या, चार दुनी 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल 9 है ना, गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो है 25 और इधर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8x प्लस में वाई स्क्वायर इजिकल टू 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इक्वेट कर दो, 25 इजिकल टू इधर से उड़ाओ 9 माइनस 16 माइनस 7 8x माइनस 7, 8x इजिकल टू 32, एक्स इजिकल टू 4 आया हमारा, तो एक्स इजिकल टू 4 कैसे हो सकता है, क्या गड़बड़ हो रही है, अभी देखते हैं इसे दोबारा से।
इसका ठीक है, फॉर्मूला क्यों दिया इन्होंने पता होना चाहिए सबको, 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, इसका इसका ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें डायरेक्टली नहीं निकलेगी वैल्यू, 1 से लेके हमें 10 तक निकालनी पड़ेगी, फिर 1 से लेके 4 तक माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक कैसे निकालेंगे, 10 × 10 + n + 1 × 20 और 21 / 6 माइनस में 1 से लेके 4 तक कैसे निकालेंगे, 4 5 और 4 2 8 और 1 9 / 6। ठीक है, 6 को बाहर उड़ा दो, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, अंदर कुछ ले सकते हो, 5 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 बचेगा यहाँ पे, और हो गया 2 भी ले लो यहाँ से, 2 बचेगा, 10 10 / 6 5 / 3 21 से कम 21, 21 से कम 21 और 2 23 माइनस में 9 2 9 2 18 कितना बच गया, 11 में से 13, 213 / 5 / 3, 3 7 21 3 3 1 7 5 5 5 7 35 355। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ऑफ पार्क आर इन द रेशियो 12 17 25, इन द पैरामीटर इज दिस, कितना आ जाएगा, 17 12 29 और 5 34 44 54 की वैल्यू ये 18 54, 18 5 18 54, 18 6 108 इक्वल 12, 144 बार 7 84 बारह कम 12 8 20, 25 12 300। ठीक है, एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ द रेडियस 35 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ट्रायंगुलर है हर पे एक सेक्टर है, ठीक है, ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, ये 35 35 35, ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, 3 साइड से ए बी सी 144 204 204 और 300। ठीक है, तो 35 70 और 74 तो बच गया ये, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का कुछ और तरीका है, हीरोन्स फॉर्मूले से ही निकलेगा क्या, अब ये ट्राइंगल भी नहीं पता हमें कैसा है, बारह सत्रह पच्चीस ये तो राइट एंगल भी नहीं है, थीटा भी नहीं पता है ना हमें, फैक्टर्स अगर निकालने हैं तो, एक ट्रायंगल में अच्छा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है, तो मान ले ये हाफ सर्कल बनेगा एक, ठीक है, हो गया, अब मैं बताता हूँ सॉल्व, 180 / 360 इंटू में पाई r² 35 × 35, ये तो हो जाएगा सेक्टर्स का, और इसका एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, s निकाल लो सबसे पहले, तो अरे s मिटा दिया मैंने, 144 एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आई थी ना, तो ऐसे यहीं से निकल जाएगा, 15 25 और 7 32 42 और 12 54 × 12 / 2, 6 6 24 6 5 30 और 2 32, ये आ गया एस एस इंटू में एस माइनस ए कितना है हमारे पास, अब निकालने पड़ेगा, 144 12 7 84 और 12 12 8 20 25 12 300, ये कितना आ जाएगा, 4 में से 0 12 में 4 गया 18, ये बचेगा 18 और 14 32 और ये कितना बचेगा, 120 और ये कितना बचेगा, 24। ठीक है, इससे तो बाहर निकाल लो 18 और यहाँ से कितना आएगा, 0 0 से 10 बाहर निकाल लो और क्या कितना बचा, 12 दूनी तो 12 यहाँ से बाहर निकाल लो, 18 दूनी 36 6 यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, 12 6 72 और 0 18 दूनी 36 18 7 124 3 129 माइनस में इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 11 5 और 35 5 30 5 150 5 5 25 175 और 11 5 55 11 7 70 और 5 82 11 11 8 19 1925 1925, अगर इसमें से माइनस करोगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 5 5 में 2 हो गया 3 और 18 में से 9 हो गया 9, नहीं सॉरी 0 और 1 और 1, 11035। अच्छा क्वेश्चन था ये, द रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर,
रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर दिस. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 14 इंटू एच इज इक्वल टू 136. और 7 × 2 = 14, 14 × 8 = 112, 14 × 3 = 126, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 56, 22 × 2 = 88, 22 × 3 = 44, 21 एच इज इक्वल टू 21. बट इज दिस इक्वल टू के 2 sin³θ - sin θ. साइन थीटा को मन ले लो ऊपर से, 2 sin² θ - 1 तो कितना होता है, 1 - 2 sin² θ - cos²θ होता है ये, ठीक है. और नीचे से कोस लोगे 1 - 2 cos²θ - cos²θ ये भी होता है, तो ये इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 10θ आंसर हो जाएगा मेरा. ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में कराई हुई है, जाके देख सकते हो. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट पोस्ट फ्रॉम अ कोलिनियर पॉइंट ए एंड बी आर 30 एंड 60 डिग्री. 60 30, ठीक है. द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर. द हाइट ऑफ द पोस्ट हमसे पूछिए, √3 है, 3 मान लो इसको, नहीं 3 कैसे मान लूँ मैं, √3 और 1, √3 इसको माना, 1/√3 है ना, ये 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक है. √3 1 और 1 1 और 2, जब भी 30 और 60 बनेगा √3 1 और 2, ये यहाँ पे वैल्यूज बनेंगी, ठीक है. 2 की वैल्यू 250, 1 की वैल्यू 125, और √3 की वैल्यू 125 इंटू में 1.732. अब ये इंटू करना पड़ेगा हमें, 25 × 5 करो इसको, 5 × 10, 5 × 15 और 1 16, 5 × 35 1 36, 5 × 12 = 8, और 25 × 150, 25 × 150 और 15 = 165, 25 × 8 = 216, 216 कितना आ गया हमारे पास, 216.5. पैनिक नहीं करना कभी भी कैलकुलेशन से, जो भी है आपको पता है उसको लिखो, ठीक है. द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली फ्रॉम द ईयर 2022. ओके, इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिज ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम, ऑन लोन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एवरेज ही पूछा इसका, तो बस 86 और 96 और 100, 6 और 6 = 12, और 10 और 8 = 18, और ये 2 3 × 27, 3 × 12, 94,000. इसकी मैथ में डिफिकल्ट थी थोड़ी सी, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, 1 2 3, ये दोनों बाद, तीनों बाद में करेंगे, अगर नहीं भी होते तो बाद की देख, बाद की बात है, ठीक है. हमें अपना पेपर कंप्लीट करना है पहले, जिद पे नहीं अड़ना है कि यार मैं तो टीचर हूँ या फिर मुझे सब कुछ आना चाहिए, ऐसा वैसा कभी भी जिद पे नहीं लेना, मैं भी नहीं ले रहा. स्कैटर मतलब डिस्पर्स होना, क्या पूछे हमसे, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. कृष्णा विल कम इन द श्राइन ऑफ द वन हर्ट, कृष्णा विल कम इन द श्राइन, कृष्णा विल अपियर, कृषा विल अपियर इन द श्राइन ऑफ वन हर्ट्स. क्या पता नहीं, इंस्टॉलमेंट क्या बताऊँ उसमें, मैं करेक्टली स्पेल्ड कुछ करेक्टली तो दिख ही नहीं रहा मेरे को इसमें, इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट सेलिब्रेट. When Mr. Batra heard the news of his daughter's selection to the college football team, he felt elated. मतलब extremely खुश हो गया वो. They compromised with her health because they contain harmful preservatives. They compromised with her health because they contain harmful preservatives with our health. Because लिखते हैं बाद में, futile मतलब useless. Hold your horses, slow down. Water was dripping off leaves and the grass was wet.
जोवियल हैप्पी, अपोजिट बताने हमें मैरी, सोरोपोली, गोल्डन मीन, वेरी इंपॉर्टेंट यूज टू मेक फेवरेबल चांस टू टेक रिस्क, नीदर टू मच नॉर टू लिटल, गोल्डन मीन है टू मेक फेवरेबल चांस, हो सकता है फर्स्ट भी हो सकता है वैसे, वेन एवर वेर एवर यू हाउ एवर यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट फिलो, स्पिक एंड स्पैन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, स्पैन का मतलब शॉर्ट एंड स्पीन, शॉर्ट एंड स्वीट, टेरेबल बैड नाइस, समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, एस्टिमेशन एंड विक हर्बिंजर, प्रोडिगी एस्टिमेट, हर्बिंजर तो लोग होते हैं सबसे आगे चलते हैं, एंडेमिक प्रोडिजी का मतलब, शिखा सेड दैट शी हैड नेवर सो इनटू अ बुक शी लाइक सो मच, नेवर कम अक्रॉस अ बुक यू वुड ऑन अ बुक, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, एथिकल क्या बताने, इसमें इक्विटेबल होगा, शी सेड टू हर मदर मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, सी आस्क्ड हर मदर दैट इफ शी माइट हैव पायनियर्स मॉडर्न फूल्स पैराडाइज इन विच नो टर्म्स टीम विंस, नहीं बी सी क्रिएटिव टू बी टायर्ड ऑफ बीइंग हैप्पी इन विच प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ लेंथी प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन, फिल्दी प्रोसेस हो सकता है मतलब डर्टी, फिल्दी है ना वो, फिल्दी प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन, फर्स्ट क्वालिटी फीड ऑफ द सिल्क, सिल्क वर्म नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वर्म needs to be cultivated, then the worms need to be carefully hand reared in the controlled environmental conditions, environmental restrictions, solicitations, till the pupa spin the silk cocoon, the silk is extracted by human hand and then woven into fabric, the traditional hand look silk always goes over the power looms in their individual character and drastic, the traditional hand loom silk always goes over the power looms in their individuality and character and artistic beauty, classic yoga जी के कर लें फटाफट, कार्बन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वी देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स इन द गिवन पार्ट ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल बाय द वे व्हिच ऑफ द नॉट फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, विच अ प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जाइलम जाइलम पानी के लिए होता है ना शायद, ये फूड के लिए होता है इतना भी याद नहीं मुझे तो, इंडस क्या बताने हमें, मेसोकोलम
इंडस निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर। एक अभी सेकंड है, सी है गोदावरी, नासिक से, कावेरी कर्नाटका से, और नर्मदा। ठीक है, फोर्थ का ए है, थर्ड का डी है। ठीक है, विच ऑफ द एलिमेंट इंक्लूड इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? हीलियम, लिथियम, नहीं है, हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। हीलियम चार आएगा, फिर लिथियम तो आ नहीं सकता, हीलियम और लिथियम तो है ही नहीं, हाइड्रोजन लिथियम हो सकते हैं, और मैग्नीशियम, नियोन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये नहीं हो सकता, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये हो सकता है शायद, याद एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजी समझिए आप अब, कोल, रिबेलियन, आ चुआर, ऑप्शन में कुछ नहीं पता है इसमें से। आर्टिकल 148, CAG, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो लोन शोन नहीं पता। मैच द फॉलोइंग, हाँ, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री नोज के लिए होते हैं, ए का है थर्ड, एक ही ऑप्शन में है, थर्मोरिसेप्टर्स, टेम्परे, ये इसके लिए होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स, ये तो पता नहीं मुझे। फोटोसेप्टर्स बी का फोर्थ है, थर्मो टेम्परेचर स्किन के लिए, एक ही है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड मुझे पता है। चांद दूबी फेस्टिवल याद नहीं है मुझे। हु कंस्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स? इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी? डिस्कस द इम्पोर्टेंस सेल्फ रिलायंस इन द रूरल, यही हो सकते हैं। द मनुस्मृति, वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ द अर्ली इंडिया, इज रिटन इन प्राकृत, पाली, हिंदी, मनुस्मृति संस्कृत में होगी है, इन संस्कृत में, प्राकृत में लिख देते हैं, संस्कृत छोड़ो यार सर। इन 1943 इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द पहला गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड? हुआ मंदिर फॉलोइंग नेम मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मंदिर फॉलोइंग मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन? अगस्त फर्स्ट शायद, याद ही नहीं है एग्जैक्टली कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नोट करेक्ट स्टेटमेंट नोट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल? दिस साइज इज जनरली इन द क्रोमोसोम कंपोज ओनली न्यूक्लिक, नोट करेक्ट पूछा है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, वेरी स्मॉल राइबोसोम। मधुबनी पेंटिंग, बिहार, एक ऑफ ओनली वन, थोड़ा पंजाब में नहीं है, वर्ली महाराष्ट्र में हो सकती है, ओनली टू लिख देते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन द टर्म डबल फोल्ड टेनिस में होता है, पूरे दिन ये करता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशन नेशनल इनकम? बैंकिंग नहीं, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट 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 और इनकम है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज है एस आई यूनिट कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है। विजय विजयंती माला फेमस इंडियन एक्ट्रेस, वॉज ऑल्सो इन एक्सपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? नहीं पता मुझे। ड्यूरेशन ऑफ 10th 5-year प्लान 2007 से 12 होगी, केस के बाद 11वां आया था। विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? नहीं पता मुझे, छोड़ो इसे। इंडिया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी टू वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फ्रॉम? पृथ्वी टू कहाँ से हुई थी? श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश हुई होगी जितना मेरे को याद है। रेजिंग में छोड़ दिया, एक मैथ में तीन छोड़ दिया, और ये छूटने वाले हैं 8 मिनट के बाद भी मेरे को लग रहा है, देखते हैं फिर भी एक दो क्वेश्चन तो ट्राई करते हैं। टेंथ कर सकते हैं क्या हम? इफ अ पर्सन परचेजेस, एक सेकेंड रुको, 10 से पहले 1900 सही करते हैं। टू सर्कल्स रेडियस 5 एंड 3, 5 एंड 3, ठीक है, और इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, ये एक्स है, 4 माइनस एक्स है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड हमसे ये पूछे पूरी,
तो 25 इजिकल टू 16 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वाई मान लिया हमने, वो माइनस में 8x प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे ही 9 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 इजिकल टू ये कटे 16 माइनस में 8x। ठीक है, 8x इजिकल टू 32। 8x इजिकल टू 0 कैसे आ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? तीन कुछ गड़बड़ है क्या फ्रेमिंग में? 8x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, ये 4 है, ये 3 हो जाएगा, 3 6 करके आगे बढ़ते हैं। गड़बड़ है, फ्रेमिंग गड़बड़ है, वो तो पता चल गया है। 50% purchases shirt he gets a discount of 6%. However, it purchases if he purchases two shirts he gets a discount 13% of the first and 7% of the second. The price paid by the two persons by the person for two shirts is 900. ठीक है. What will be the mark price of the each shirt? MP same है दोनों का. सौ से 87 पे दी उसने। ठीक है, 100 से 93 पे दी। इतनी गंदी कैलकुलेशन हो रही है, इन्होंने सिंपल सी कैसे की हुई यार इतनी? 93 87 7 6 31, 7 3 62 65, 8 6 24, 8 3 72 74, 1 9 10, 8 8 91 की वैल्यू है 9900। ठीक है, 9 8 72, 9 81, 9 8 72 और 9 81, 9 81, 899 की वैल्यू है 100। तो हमसे क्या पूछा है? 10,000 की वैल्यू। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, इसका 500 आंसर होने वाला है, 9 से मल्टीप्लाई है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 1/9 है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 1/9 कितना होगा? 9 1 9, और 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9 डिवाइड बाई अगर करेंगे हम 2 से, 2 5 10, 512 करके आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली 500 तो आएगा नहीं। ठीक है, और 13 क्वेश्चन, यार मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं करी मैंने ऐसे क्वेश्चंस की। 1547 मीटर की रेस है, 1547 मीटर की रेस है, अर्जुन रीचेज इन 78 सेकेंड्स और करण रीचेज फिनिश द पॉइंट इन 91 सेकेंड्स। तो 13 सेकेंड पहले वो पहुंच चुका है, 13 सेकेंड पहले वो पहुंच चुका है। 1547 डिस्टेंस अपोन में, तेरह सेकंड पे कितना डिस्टेंस चला है उसने ये पूछा है ना हमसे। तो इसका कितना आ रहा था यहाँ पे? 1547, 91 13 7 91, और 13 1 13, 13 11, 13 17, 17 51, 17 5 22, 221 लगा के आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं कर रहा मैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस 15,000, 1 2 3, 20,000, 1 2 3, ए एंड बी एंड देयर एफिशिएंसीज आर 7:3। एफिशिएंसीज क्या है इसमें, यूज़ क्या करूँ इसका? तो डिवाइड देयर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट एंड सेकंड ईयर डिवाइड बाय प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उनका रेशो कितना हो गया प्रॉफिट का? 15 5 से 15 5 20। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ? 7:3। ठीक है, एंड द सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 20,000 एंड द वट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज कम्प्लीट प्रॉफिट एंड बीस। 7 और 3 10 की वैल्यू है 20,000, 1 की वैल्यू 2,000, 2 7 14,000 यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ, 2 3 6,000 यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या करूँ? लेकिन मैं जिस सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना, मैं 4 3 7 की वैल्यू 28,000, 1 की वैल्यू 4,000,
तो हमसे क्या पूछा है फंड है, ए इज कम्प्लीट प्रॉफिट एंड बी इज कम्प्लीट प्रॉफिट का डिफरेंस 4,000 तो यहाँ पे हो गया और 4 दुनिया 8 यहाँ पे हो गया। गड़बड़ कैसे हो रही है, एक सेकेंड रोज सा इक्वल 4 से 12,000, 12 14 16,000, ये 4 चौक 16 और 6 22,000, ये 4। पाँच से 15, 5 चौक 20, 7 और 3 10 की वैल्यू 20,000, 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000, 2 से 14, 2 से 6, 7 चौक 28, 1 के 4 से 12, 4 चौक 16, 6 22 और 12 14 26, 4,000 ही आएगा। रीजनिंग में एक क्वेश्चन रह गया, रीजनिंग में कैसे करें यार इसे, तुक्का मार दूंगा मैं 58 सेकंड में कुछ भी। 7 5 35, 2 कम 2, 5 और 3 8 और 2 10, नहीं, 5 3 15 और 1 4, नहीं ऐसे भी नहीं है, 5 2 9 10, 1 5 5, 6 का मल्टीपल 24 है, फटाफट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब 7 और 5 12, -2, 2 और 1 3 प्लस 2 16 6 22 और 2 24, जब भी 24 आ रहा है, 4 5 4, माइन 4 का आधा, नहीं 5 और 2, कुछ भी दे रखा गया है, मैं माइंड नहीं क्लिक नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं भी बहुत सिंपल हूँ इसमें, 17 -3, ठीक है ये 24 तुक्का मार देता है, देखते हैं यार मार्क्स कितना है, गंदा गया पेपर तो, 145.5। ठीक कमर दर्द हो गई है, स्पीड 9:30 बजे आएगा इसका रिजल्ट रात को। मार्क्स ठीक है, पता नहीं है मेरे को मैथ्स में कितने गलत हैं इनकी, एक तो टेक्स्ट बुक की ये इनको सुधारना चाहिए यार एक बार, मतलब जैसे ओली बोर्ड में देते हैं कि ओवरऑल मार्क्स तो दिखाओ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स है, 17 क्वेश्चन कहाँ गलत हुए मेरे को एग्जैक्टली तो याद भी नहीं है, फिर भी ठीक है, अच्छा मॉक था, और मैथ्स में मेरे को एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है सही है क्वेश्चन या नहीं वो वाले मेरे, और इंग्लिश में कितने गलत है, रीजनिंग में कितने गलत हैं कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, फिर भी ठीक है एवरेज मार्क्स है 145.5, अच्छा मॉक था ये कह सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। और जब ये आ जाएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा तो सॉल्यूशन में करा दूंगा एक बार चेक करके, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। थैंक यू से पहले यार एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस मॉक में मैंने बीच में जो 2 3 क्वेश्चन मुश्किल आ गए थे मैथ्स के, तो थोड़ा सा पैनिक हो गया था, ठीक है, पैनिक तो नहीं हुआ था लेकिन हाँ मैंने स्किप कर दिया जल्दी से फटाफट, और बाद में वो मैंने कर दिए, मे भी वो सही हो या गलत हो वो तो बात की बात है, लेकिन आपको भी मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि अगर कभी बीच में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मुश्किल आ गए 25 में से 22 क्वेश्चन आपके हाथ में है, वो क्यों गड़बड़ कर रहे हो आप, वो तो हमेशा आपको ठीक करने ही करने हैं, 20 से 22 क्वेश्चन मतलब वो मैंडेटरी है, ठीक है, आपको हमेशा 22 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आएंगे उनको स्किप करो पहले, बाद में मे भी हो जाए सो ना हो, ठीक है, पैनिक नहीं करना कभी भी आपको, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।